सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस बीच अयोध्या में बनाई जाने वाली मस्जिद का काम भी शुरू होने वाला है। इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी प्लानिंग अंतिम चरण में है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाना है। मस्जिद का नाम भी तय कर लिया गया है। इस मस्जिद की खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को टक्कर देने योग्य होगी, ये कहना है मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अराफात का। हाजी अराफात भाजपा नेता और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें अयोध्या में बनने जा रही अभूतपूर्व मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मस्जिद के बारे में बताते हुए हाजी ने कहा कि हम बाबर को माने या ना माने, इसलिए इस मस्जिद का नाम हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर रखा गया है। हम धन जुटाने के लिए घर घर नहीं जाएंगे, एक वेबसाइट बनाई जाएगी और WR कोड की मदद से कोई भी इसमें दान कर सकता है। मस्जिद के बारे में उनका और क्या कहना है सुनिए। और जो कोई व्यक्ति ईंट देगा अपने माँ के नाम पे, पिताजी के नाम पे, या अपने बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, तो उसका नाम नीचे लिखा जाएगा और उसके अंदर ये मस्जिद, ये सोएंसो, ये नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, ये ईंट हमने वफ कर दी। हम उसको उसकी ईंट की फोटो देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाले, और नंबर भी हमने इस तरीके से ईंट पे भी नंबर दिया, एक पित्तल का हमने उसमें चिप डाल रहे जिसमें नंबरिंग होगा। अब हमारे आर्किटेक्ट ने, हमने ये सोचा कि 200 साल, 300 साल, 400 साल के, 500 साल के बाद अगर किसी वजह से दीवार में लीकेज आ गई या दीवार में कोई प्रॉब्लम आ गया या किसी वजह से दीवार तोड़नी पड़ी, तो उस जमाने के अंदर 200 साल 500 साल हाजी अराफात तो नहीं होगा, पर वो उसकी किताब बनाई जा रही है, बुक्स पूरी बना जी, उसकी स्टोरी लिखी जा रही है, उस वक्त पे कोई ना कोई मेरे नस्ल में हाजी अराफात होगा, वो उसको देखेगा और वो ईंट को, फिर वो दीवार को तोड़ी जाएगी और वापस वो ईंट नंबरिंग के हिसाब से फिर वो ईंट बनेगी और वहाँ लगेगी, ताकि हमने लोगों से कमिटमेंट किया ता कयामत तक कि आपकी ईंट लगेगी तो लगेगी। तो ये हमने सवाल का जवाब कर दिया कि जो हम जो लोगों से कमिटमेंट कर रहे वो पूरा कर रहे, इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। फरवरी के एंडिंग में हमारा मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर जो सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके बेटे बीजापुर से निकलेंगे, ये ईंट अजमेर शरीफ जाएगी, अजमेर से मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँच कर इंशाल्लाह ताला वो ईंट पेश करेंगे फरवरी या रमज़ान बाद, आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कमेटी पूरे दुनिया में, जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ऐसी कई कंट्री के जो प्रिंस है, वहाँ के बड़े बड़े इमाम हैं, उनसे जब बातें की जाएगी और उनको इनवाइट किया जाएगा, जिसमें हरम के इमाम साहब को भी इनविटेशन दिया जाएगा, और हम चाहेंगे कि इमाम हरम आए और पहली नमाज वो अदा करवाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लिए उनका पहला कदम पड़ेगा और देश और दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए, और खूब सारी दुआएं करें, यहाँ पे नफरतें मोहब्बतों में बदल जाए और ये देश खुशहाल हो जाए और ये देश दुनिया का नंबर वन देश हो जाए, इसके लिए दुआ। फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जिस तरह से रमजान के लगभग, ये कोई पूरा बनके कब तक तैयार हो जाएगा, कोई डेडलाइन अगर आपने रखी है कि मतलब 2-3 साल के अंदर बनके तैयार हो? उसमें कैसा है कि मस्जिद का तो जिस मस्जिद 1-1.5-2 साल के अंदर, मस्जिद का आर्किटेक्ट के हिसाब से 1.5-2 साल के अंदर मस्जिद का डिजाइनिंग वगैरह करके मस्जिद तैयार होगी, लेकिन उसमें कॉलेज है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, और जब अस्पताल है, अस्पताल को ज़्यादा वक्त लगता है, तो अस्पताल के लिए होगा, लेकिन जब भी होगा एक ही साथ दोनों चीज़, नमाज है तो जिस दिन हम फाउंडेशन रखेंगे उस दिन से ही ऑफिस वहाँ बनाई जा रही, नमाज का इलाका बनाया जा रहा है, वहाँ नमाज है तो उसी दिन शुरू हो जाएगी, पर हम ये चाहेंगे कि पूरी चीज़ एक साथ जब बन जाएगी तो पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, हमारे हिंदुस्तान से सब बड़े बड़े आलिम आएंगे, तो देखने वाली चीज़ होगी और उसी दिन से लोगों को फैज़ हासिल होगा, दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, मस्जिद में दुआएं होगी और अस्पताल में इलाज होगा, अल्लाह उनकी दुआओं से डॉक्टरों के हाथों में अल्लाह शिफा देगा।